हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, मैं भी खैरियत हूँ। तो आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो यार, एटा स्टार कप के रिलेटेड मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोज में भी आपको बता चुका हूँ। तो अब उनमें पाकिस्तान रीजन का जो ग्रुप है वो अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें आई ए टफ, बबलू एस टी, रेज वगैरह खेलती हुई हमें दिखाई देंगी। इसके अलावा मजीद जो टीम्स भी है वो भी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और यार, इसी के साथ साथ पाकिस्तान रीजन की जो टीम्स वगैरह है उनके जो मैचेस वगैरह है वो आज से स्टार्ट है, जो कि 2, 6 और 9 जुलाई को खेले जाएंगे। और ये मैचेज अगर आपको लाइव देखने तो आप एटार ऑर्गेनाइजेशन ईस्पोर्ट्स के चैनल पे देख सकते हैं। बगैर काफी ज्यादा रूमर्स वगैरह भी चल रहे हैं कि क्रिप्टो यूनिकॉर्न ऑफ लव टीम ज्वाइन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो उनके साथ खेलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, ये तो सबको ही पता है। लेकिन यार, मैं आपको बता दूं कि एटार स्टार कप हो रहा है, इसमें भी टीम यूनिकॉर्न ऑफ लव खेल रही है, जिनके मैचेस 4, 11 और 18 जुलाई को होंगे, जिसमें हमें क्रिप्टो यूनिकॉर्न ऑफ लव टीम के साथ खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यार, अगर ऐसा होता है तो फाइनल्स में आईएड क्रिप्टो की टीम जो होगी यूनिकॉर्न ऑफ लव और पाकिस्तान रीजन से टीम आईएड ईस्पोर्ट्स अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो दोनों टीम्स आपस में एक दूसरे के सामने हमें खेलते हुए दिखाई देंगी। तो यार, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोग आईएड ब्लेड और क्रिप्टो को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। खैर, इसी के साथ साथ 52 ईस्पोर्ट्स की पीएमडब्ल्यूआई की जो शूट वगैरह है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके कुछ बीटीएस वगैरह मुझे मिले तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फेरो है, रईस फेरो ये बड़ी भी है, है ये 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 कर रहे हो क्यों? दो नाम से एक्ट हो रहे हो नहीं, सही है ये, आप जो भी इंप्रोवाइज कर रहे हो ना, मतलब आप इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हो, पागल हो जाए कुछ बात जाए पहले। तो यार, देखते हैं कि इस शूट का एंड रिजल्ट क्या निकल के सामने आता है। बकाया हमारी जो अगली न्यूज है वो आईएड ब्लेड से रिलेटेड है। तो यार, रिसेंटली आईएड ब्लेड अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जिसमें लोग उनसे पूछ रहे थे कि आपने लाइव स्ट्रीम वगैरह काफी ज्यादा क्यों कम कर दी है। तो उसी के रिलेटेड रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि अगर हम लाइव स्ट्रीम पे खेलते हैं तो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो सकती जितनी हम ऑफलाइन खेल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो उसी के रिलेटेड क्या बात करते हैं और बताते हैं कि वो लाइव स्ट्रीम वगैरह भी अपनी काफी ज्यादा कम करते हैं, क्योंकि वो अपनी गेम वगैरह पे इतना ज्यादा लाइव स्ट्रीम पे फोकस नहीं कर सकते। तो उनकी स्ट्रीम का वो पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने दिनों बाद लाइव, यस यस यार, देखो हम लाइव स्ट्रीम पे देखो हम ऐसी गेम नहीं खेल सकते और ना हम सही प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं जितना हम ऑफलाइन स्ट्रीम पे हम अपने चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। तो हमने कम से कम अभी स्ट्रीम कर देंगे, हम अपने चीज़ों पे फोकस करना है रेदर देन लाइक डेली स्ट्रीम्स। भाई उससे अच्छा लाइक करेंगे इंशाल्लाह, वीक में 3-4 बार होगा स्ट्रीम, वो उसकी टेंशन नहीं लेनी, होगी स्ट्रीम लेकिन कम होगी पहले से, ठीक है? डेली नहीं होगी, इतना मैं बता दूँ, डेली स्ट्रीम नहीं होगी बट कम होगी, चार बार तो होगी वीक में, इतना मैं कंफर्म बता सकता हूँ, ठीक है? 4 बार तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ। बगैर इसी के साथ साथ जीएक्सआर की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई थी कि प्लेयर्स को कुछ ही दिनों में पेमेंट वगैरह उनकी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक प्लेयर्स को उनकी पेमेंट वगैरह नहीं मिली है। और इसी के रिलेटेड एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है एक प्लेयर ने, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह भी लिखी हुई है। और यार, जीएक्सआर की तरफ से जो मेल आई थी उनको तो वो भी आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। बगैर आज के लिए मेरे पास आप सबके लिए इतनी न्यूज थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बकाया मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।